त्योहारों पर हम मिठाइयाँ तो बाहर से लाते ही रहते हैं, लेकिन अगर यही मिठाइयाँ हम घर में खुद अपने हाथ से बनाएं तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि उसमें बनाने वाले के हाथ का प्यार और स्वाद दोनों ही आ जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। इस रक्षाबंधन पर हम अपने भाइयों के लिए बाहर से ना मिठाई लाकर घर पे ही खुद से मिठाई बनाते हैं। इसमें ना तो मैं मिल्क पाउडर यूज़ करूँगी, ना ही खोया यूज़ करूँगी। घर में इजीली अवेलेबल सामान से हम इस मिठाई को रेडी करेंगे। हम बना रहे हैं आज नारियल की बर्फ़ी। नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट, 3/4 कप ऑफ चीनी यानी कि शुगर, और चाहिए हमें फुल फैट मिल्क, और चाहिए इलायची पाउडर। सबसे पहले लेंगे हम एक भारी तले की कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम 3 चम्मच घी। उसके बाद हम डालेंगे 250 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि 3 कप डेसिकेटेड कोकोनट। ये आपको किसी भी सुपरमार्केट में इजीली मिल जाएगा और ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसे हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूनना है और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल नहीं भूनना। इसे हम एक बोल में अलग से निकाल लेते हैं। अगर हम इसे कढ़ाई में छोड़ेंगे तो कढ़ाई गर्म होती है और ये जल जाएगा। 2 मिनट भूनने के बाद इसे हमें अलग बोल में निकाल लेना है। अब जब वही कढ़ाई ठंडी हो जाएगी, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच पानी और 3 कप दूध। हमने 3 चम्मच घी लिया था, 3 कप हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया था और 3 कप ही हम दूध ले रहे हैं। आप घर की कोई भी कटोरी या कप मेज़रमेंट के लिए रख लें। अब हम दूध को बॉईल होने देते हैं। जब दूध अच्छे से बॉईल हो जाएगा, फ्लेम हम मीडियम स्लो कर देंगे और इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। एक कटोरी में हम 1 चम्मच दूध लेंगे और थोड़े से केसर के धागे हम इसमें डाल के इसे साइड करके रख देंगे। हम इसे लास्ट में यूज़ करेंगे। दूध को हमें चलाते रहना है ताकि दूध नीचे से लगे ना, और इसे हमें आधी क्वांटिटी तक होने तक बॉईल करना है ताकि दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए। देखिए, दूध उबलकर आधा रह गया है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसमें हम डालेंगे 3/4 कप चीनी। इससे ये परफेक्ट मीठा बनेगा। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा मीठा भी आप डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से चलाएंगे ताकि चीनी अच्छे से पिघल जाए। ये मिक्सचर थोड़ा पतला हो जाएगा चीनी डालने के बाद। अब हमने जो केसर दूध में भिगो के रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पे हम इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। आधा चम्मच डालेंगे हम इलायची पाउडर। अगर आपके पास साबुत इलायची है तो वो भी आप इसमें कूट के डाल सकते हैं। इसका कलर अब थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट जो हमने पहले भून के रखा था। फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, हाई नहीं करेंगे, नहीं तो ये मिक्सचर जल जाएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये दूध और कोकोनट अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखनी है। मिक्सचर हमारा सेट करने के लिए रेडी है। अब हम एक बर्फ़ी ट्रे लेंगे, या आपके पास कोई थाली है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसे अच्छे से घी से ग्रीस करेंगे पहले हम, ताकि हमारी बर्फ़ी अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। फिर जो हमने मिक्सचर रेडी किया है ये बर्फ़ी का, ये हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से प्रेस करते हुए हम सेट करेंगे। देखिए, मैं एक कटोरी ले रही हूँ, उसे अच्छे से प्रेस कर रही हूँ ताकि हमारी जो बर्फ़ी है अच्छे से सेट हो जाए। इसे आप बादाम से भी गार्निश कर सकते हैं, पिस्ता लगा सकते हैं, चांदी का वर्क लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो उससे आप इसे गार्निश कर सकते हैं। इसे हम 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। 1 घंटा हो गया है, देखते हैं हमारी बर्फ़ी सेट हो गई है। हाँ जी, ये सेट हो गई है बिल्कुल अच्छे से। अब हम इसके पीसेस काट देंगे। एक शार्प नाइफ से आप इसके पीसेस काटें। अपने हिसाब से आप छोटे या बड़े पीसेस रख सकते हैं। मैंने इसके स्क्वायर पीसेस काटे हैं। मैं आपको एक पीस निकाल के इसका दिखाती हूँ कि बर्फ़ी की शेप कितनी अच्छी बनी है और ये कितनी सॉफ्ट और मॉइस्ट बर्फ़ी बनी है। बर्फ़ी हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।